शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुकाराम मुंडे, इस नाम से शायद ही ऐसा कोई होगा जो वाकिफ ना हो। जो इन्हें पसंद करता है वो भी, जो इन्हें पसंद नहीं करता वो भी, और जो इन्हें अपना आदर्श मानता है वो भी। हर छोटा बड़ा व्यक्ति इस नाम के सुनते ही कहता है कि वही ना जिसने कुछ ही महीनों में नागपुर शहर को नियमों पर चलना सिखाया, साथ ही सरकारी अधिकारियों को शासन प्रिय और अपने कर्तव्य को निभाने की वजह दी। लेकिन कहा जाता है ना कि एक निष्ठावान व्यक्ति को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, फिर चाहे वो परेशानी अपनों की ही दी हुई क्यों ना हो। जिस पक्ष की सरकार ने मुंडे को इस शहर में कार्यरत किया है वही उनका विरोध कर रही है, उनका मानना है और उन्हें विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से वे भी कार्यप्रणाली को समझ नहीं पाते और ना ही जनता को समझा पाते हैं। हालांकि मुंडे के कार्य से पूरे नागपुर शहर की जनता खुश है। नागपुर महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आयुक्त के खिलाफ सत्ता और विपक्ष एक साथ आए हैं। यह देन भी मुंडे की ही है। साथ ही नागपुर के कांग्रेस नेताओं ने मुंडे की बदली के लिए मुंबई में दबाव डालने की जानकारी भी दी है। लेकिन नागपुर की जनता, इन्हें लगता है कि मुंडे के नेतृत्व में शहर को और अधिक विकास की आवश्यकता है, इसलिए 11 जून से तुकाराम मुंडे के समर्थन में पीपल्स कॉन्फिडेंस मोशन द्वारा ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें अब तक तकरीबन 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने मुंडे के शहर तबादले के विरोध में पेटिशन साइन किया है। यह पहली बार नहीं है कि मुंडे के विरोध में लोक प्रतिनिधियों ने इस तरह के तबादले के कदम उठाए हों। इससे पहले भी मुंबई हो या पुणे, मुंडे के तबादले की वजह उनका कड़क नियमन ही था, तब भी जनता ने विरोध जताकर सड़क पर आंदोलन किया था। फिलहाल कोरोना का कहर शुरू है, इस वजह से जनता ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या अन्य कोई ऑनलाइन का साधन हो, इनके समर्थकों ने मुहिम को अग्रसर कर दिया है। आज जब भी कोई प्रशासकीय अधिकारी हमारे पास से जाता है, हम उनसे मिलते हैं, डर के साथ नहीं बल्कि दिल में सम्मान होता है और सहजता से बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने परेशानियों को उनके सामने बयां कर देते हैं। ये हौसला दिया है तुकाराम मुंडे ने। मुंडे पिछले 4 से 5 महीनों से नागपुर की नियम व्यवस्था सुधारने में कार्यरत है। उन्होंने अपना महानगर पालिका आयुक्त का पदभार जनवरी 2020 में संभाला था। इस नाम से और इनके काम से तो हर कोई वाकिफ था। उनका नियम और न्यायप्रिय अंदाज सभी को भाता है। मुंडे के कार्यरत होते ही शहर में अपने काम को गैर जिम्मेदार तरीके से करने वाले लोग सतर्क हो गए। लेकिन कब तक? आखिर एक ना एक दिन सभी को इसका सामना करना ही था। इसकी शुरुआत हुई भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड से, जहां मुंडे ने अचानक भेंट देकर सभी के कार्य का ब्यौरा लिया और वहां हो रही लापरवाही से बहुत गुस्सा हुए। मुंडे ने डंपिंग यार्ड के कार्यरत कर्मचारी को फटकार भी लगाई थी। मुंडे ने अपने पदभार को संभालते हुए शहर के अन्य कार्यकारिणी पर भी ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसकी सुधारना से पहले ही देश को कोविड-19 जैसे भयावह महामारी ने घेर लिया। इस समय पूरा देश इस महामारी से बचने की कोशिश में लगा हुआ था। देश के कई राज्यों में इस महामारी ने अपने पैर पूरी तरह से पसार लिए थे। नागपुर शहर में भी इसकी शुरुआत मार्च के पहले सप्ताह से हो चुकी थी, लेकिन इस दौरान मुंडे ने अपनी कार्यकुशलता और अनुशासन से सभी कर्मचारी को मैनेज करते हुए कोविड-19 को शहर में पैर जमाने नहीं दिए। इस महामारी के दौरान लॉकडाउन की स्थिति बनी, लेकिन तब भी सूझबूझ से काम किया गया। शहर में जब तक लॉकडाउन था तब तक कोविड-19 के मामले थे, लेकिन एक हद तक उसमें से अधिकतर लोग ठीक होकर घर भी जा चुके थे। जब से देश में अनलॉक की चर्चा शुरू हुई थी तब भी मुंडे चाहते थे कि शहर में मामले कम होने तक लॉकडाउन की स्थिति रहे और जरूरी चीजों में रियायत दी जाए। लेकिन जब से शहर में अनलॉक एक शुरू हुआ है तब से संक्रमितों की संख्या में भी तेजी से बढ़ा हुआ है और यह आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच चुका है। इसे रोकना बेहद जरूरी है। कोविड-19 के मद्देनजर देश में नागपुर शहर का रिकवरी रेट सबसे अच्छा है, जिसका एकमेव कारण है तुकाराम मुंडे और इनके नेतृत्व में किए गए कार्य। कोविड-19 के मामले में संक्रमण ना बढ़े इसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया। पहली टीम सकारात्मक मरीज को ले जाने का काम करती है, दूसरी टीम संक्रमित क्षेत्र का निरीक्षण और सर्वे कर उसकी लिस्ट बनाती है, तीसरी टीम का कार्य
परिसर को सील करना है। चौथी टीम संक्रमित परिसर को सैनिटाइज करते हैं और पांचवी टीम लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए कार्यरत है। तुकाराम मुंडे के सक्ष नेतृत्व में पैमाने पर क्वारंटाइन कक्ष की सुविधाएं बहुत सस्ती लागत और भ्रष्टाचार के बिना बनाई गई। प्रवासी मजदूर और भिखारियों के लिए आश्रय गृह, कौशल्य विकास गतिविधियां, विभिन्न चरणों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन, संक्रमितों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, साथ ही इफेक्टिव पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए गए। इस लॉकडाउन का फायदा लेते हुए कम लागत में शहर के नदियों की साफ सफाई भी की गई। कोविड 19 में जहां लोग प्रतिनिधि दिखाई नहीं दिए, वहां मुंडे ने ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया है। शहर का विकास लोक प्रतिनिधि और प्रशासकीय अधिकारियों की मदद से होता है, लेकिन इन लोगों के बीच ही इस तरह के मतभेद रहे तो शहर के विकास के लिए जनता का इन पर से भरोसा उठ जाएगा। जनता का मानना है यदि इस राजनीतिक मसले में ना पड़े तो ही शहर का विकास कार्य संभव है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिज्ञ तुकाराम मुंडे जैसे ईमानदार और मेहनती अधिकारी के खिलाफ औपचारिक अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है कि वे संकट के समय पर शहर से उनके स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं जब शहर को उनकी अधिक आवश्यकता है। देखना यह है कि लोक प्रतिनिधि के विरोध में और मुंडे के समर्थन में जनता द्वारा चलाया गया ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान उनके तबादले को रोक पाता है या हम तुकाराम मुंडे जैसे सक्षम अधिकारी से वंचित हो जाते हैं।